क्या हुआ जब रात की 2 बजे 5 साल की ये लड़की चुपचाप केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गई? फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था और उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा भी था जब मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जब भी भारत में तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का ये भव्य ज्योतिर्लिंग हिमालय की गोद उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव का ये केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में ही नहीं बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहते हैं कि अगर आपने केदारनाथ मंदिर के दर्शन करे हैं तो आपके सभी दुख दर्द मिट जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का इतिहास कई हजार साल पुराना है। इस मंदिर के कई रहस्य और आश्चर्यजनक चमत्कार सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको केदारनाथ धाम में हुए जिस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये सच्ची घटना दरअसल 2005 की है जिसे हमारे साथ सीमा राजपूत ने शेयर किया है। सीमा जी बताती हैं कि उनकी शादी 1990 में दिल्ली के रहने वाले शेर सिंह राजपूत के साथ हुई थी। शादी को हुए 10 साल बीत चुके थे लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सीमा जी बताती हैं कि वो इस बात को लेकर काफी दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठी रो रही थी, तब उनके पड़ोस की एक आंटी ने सीमा को रोते हुए देखा। वो तुरंत उसके पास चली गई और सीमा से रोने का कारण पूछा। तब सीमा ने उस महिला को बताया कि उनकी शादी को 10 साल बीत चुके हैं लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। तब वह महिला कहती है, बेटी तू निराश मत हो, भोलेनाथ अवश्य तेरी गोद भरेंगे। तू एक काम कर, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा। कहते हैं जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से केदारनाथ धाम के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, वो आपकी जरूर सुनेंगे। सीमा और उसका पति अगले महीने ही केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 6 महीने बाद कपाट खुलेंगे। सीमा जी पुजारी की यह बात सुनकर बहुत हताश हो जाती हैं और रोने लगती हैं। कहती हैं, हे भोलेनाथ, मैं बड़ी आस लेकर आपके दर्शन करने आई हूँ। मैं कैसी अभागन हूँ कि मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। सीमा जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने सुना है तू सबकी सुनता है, अगर तुझ में शक्ति है तो मेरी गोद भी भर दे। सीमा जी हताश होकर अपने घर लौट जाती हैं और वो रोज शाम भगवान का नाम जपती हैं। सीमा जी बताती हैं कि अगले महीने ही उनकी गोद भर जाती है। वो खुशी से पागल हो जाती हैं क्योंकि 10 साल बाद उनका माँ बनने का सपना पूरा हो रहा था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दिन बीतते गए, वो दिन भी आया जब सीमा जी की एक सुंदर बेटी हुई। महादेव जी का दिल से धन्यवाद सीमा जी ने किया और कहा कि हे भोलेनाथ, आपने मेरी मनोकामना सुन ली, मैं बहुत खुश हूँ। सीमा जी 3 साल बाद अपनी बच्ची को लेकर शाम के 6 बजे केदारनाथ धाम महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच जाती हैं। बेटी की खुशी में सभी साधु संतों को खाना खिलाती हैं, कंबल बांटती हैं, लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटती है जिसे सीमा जी आज भी याद करते हुए रोने लगती हैं। सीमा जी बताती हैं कि जिस समय वो साधुओं को भोजन करा रही थी उनकी बेटी कहीं गुम हो जाती है। सीमा जी अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढती हैं लेकिन उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। रात काफी हो चुकी थी। सीमा को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। धीरे धीरे सभी साधु और श्रद्धालु भी अपने अपने ठिकाने पर जाने लगते हैं। सीमा काफी डर गई और महादेव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है, आज वो भी मुझसे जुदा हो गया। हे महादेव, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवा दोगे। अब तो केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए। सीमा पूरी रात केदारनाथ मंदिर के सामने बैठी रही और महादेव से अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थनाएं करने लगी। करीब 5 बजे जब पुजारी ने पुनः मंदिर के कपाट खोले तो अंदर का नजारा देख पुजारी के पसीने छूट गए।
पुजारी ने देखा जो लड़की कल रात कहीं गायब हुई थी वो तो मंदिर में बैठी हुई है। पुजारी तुरंत सीमा के पास गया और बोले, बेटी तेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वो तो महादेव की गोद में बैठी हुई है। सीमा भी तुरंत पुजारी के साथ केदारनाथ के गर्भगृह में जाती है और देखती है कि उसकी बेटी एक बड़े से नाग की गोद में बैठी हुई है और ना ही उसे उस नाग से डर लग रहा है। सीमा जी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर रोने लगती हैं और कहती हैं, भोलेनाथ आपकी महिमा अपरंपार है, आप अपने भक्तों को कुछ नहीं होने देते। सोचने वाली बात तो ये है कि वो लड़की केदारनाथ धाम के अंदर कैसे पहुंची, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।